आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह मोहबिया, एसडीओपी नागेंद्र प्रताप सिंह एवं संबंधित अधिकारियों सहित पुलिस टीम के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया एवं नागरिकों से मुलाकात करते हुए निर्भीक होकर शत प्रतिशत मतदान करने के लिए उनसे आग्रह किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों में होली पर्व को मना रहे लोगों से भी पुलिस टीम ने मुलाकात की एवं आगामी सभी पर्व पर और लोकसभा चुनाव के महापर्व में शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाएं एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति में अगर खलन डालने का प्रयास करते हैं तो इसकी तत्काल जानकारी संबंधित पुलिस अधिकारी को दें, जहां ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा फ्लाइंग मार्च निकाला गया और लोगों को मतदान करने का एक जागरूकता अभियान के तहत और सुरक्षा की दृष्टि से सबको समझाया गया। पुलिस का यह उमरिया जिले की पुलिस का बहुत बढ़िया सराहनीय काम है, क्योंकि आम पब्लिक को निर्भीक भी बनाती है और अच्छा कार्य तत्पर तुरंत निराकरण भी करती। होली का पर्व है, पुलिस प्रशासन ने सब लोगों से अपील की है कि सौहार्द बनाए रखें, शांतिप्रिय ढंग से त्यौहार को मनाएं और पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाल के शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक संदेश दिया गया। और जिले में वैसे भी शांति का माहौल रहता, हर कोई भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाते हैं और प्रशासन ने अपील भी की है कि आगामी दिनों में भी त्यौहार आने वाले हैं तो उसमें विषयों को लेकर भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें भी उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप शांति व्यवस्था बनाएं। आगामी लोकसभा चुनाव और जो त्यौहार आने वाले हैं इसी के संदर्भ में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे और जनविश्वास की भावना। आगामी त्यौहार जैसे कि होली, ईद, रमजान का महीना चल रहा है, आने वाले नवरात्रि का उत्सव है और इसके साथ ही 19 तारीख को जो लोकसभा का मतदान होना है, सभी संदर्भों को देखते हुए हमें समय समय पर फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में आज भी फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया और इसमें अधिकारियों के निर्देशों के हिसाब से हमने सभी चौराहों में और रास्तों में लोगों से मिले, सबसे अपील की कि आने वाले त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव में